वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर लिया था, व्हेन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट हाउ इट कैन बी बिहेव। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि रजिस्टर का जो काम है, रजिस्टर विल अपोजिट द चेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू अ सर्किट। ठीक है, तो रजिस्टर का काम एक ही कि वो जो भी चेंजेस है वोल्टेज और करंट के, उसको वो क्या करेगा, अपोज मीन्स रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो दोनों भी कंडीशन में, व्हेन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन डीसी इट बिहेव्स एज अ सेम, एंड व्हेन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट इट आल्सो बिहेव्स लाइक अ सेम। मीन्स आप कोई भी सर्किट में रजिस्टर को कनेक्ट करो, उसका काम यही है दैट इट अपोजिज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो दोनों के लिए भी सेम है, वेदर इट इज़ कनेक्टेड इन एसी एज वेल एज इट इज़ कनेक्टेड इन द डीसी। ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा सर्किट के ऊपर, अगर आप एसी कनेक्ट करते हो, डीसी कनेक्ट करते हो विद द रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज एक एक्टिविटी भी लेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर अ सिंपल रजिस्टर इज कनेक्टेड इन एसी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि रजिस्टर का इफेक्ट क्या होता है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन एसी और फॉर डीसी। ठीक है, तो देखो इसमें देख लेंगे हम, देर आर टू आइडेंटिकल थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ठीक है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो कॉपर वायर हम लेंगे। ठीक है, इमेजिन वन ऑफ देम इज इन zigzag फॉर्म कॉल्ड एज ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, दो फिगर है, फिगर ए फिगर बी। ठीक है, तो फिगर ए में जो हमने कॉपर वायर लिया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का, ठीक है, तो उसको हमने zigzag फॉर्म में कनेक्ट किया। zigzag फॉर्म मीन्स इस तरह से, जैसे रजिस्टर है। ठीक है, तो ये zigzag फॉर्म हो गया। वैसे भी रजिस्टर का सिंबल आप लोगों को पता है zigzag ही होता है इस तरह से। ठीक है, तो हमने जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लिया कॉपर का, उसे हमें zigzag फॉर्म में उसको कनेक्ट किया है। ओके, एंड द अदर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट कॉइल, एंड दूसरा जो कॉपर वायर 10 सेंटीमीटर का जो फिगर बी के लिए हमने यूज़ किया, तो उसमें हमने क्या किया, उसको कॉइल फॉर्म में बनाया हुआ है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, मीन्स सर्कुलर फॉर्म में, जस्ट लाइक अ इंडक्टर, जो हम अभी नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे इंडक्टर का, तो उसी फॉर्म में हमने क्या किया, उसको एक वाइंडिंग के फॉर्म में उसको बनाया हुआ है। सो दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट कॉइल। ठीक है, ऑफ एवरेज डायमीटर नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, कॉल्ड एज अ बी। ठीक है, तो ये फिगर बी में दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कनेक्ट द टू इंडिपेंडेंटली टू 1.5 वोल्ट सेल और अ सिमिलर डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डीसी वोल्टेज दिया हुआ है zigzag वायर को भी एंड कॉम्पैक्ट कॉइल को भी, उसका वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट डीसी। ठीक है, एंड रिकॉर्ड द रिस्पेक्टिव करंट पासिंग थ्रू देम एज अ आई ए, तो फिगर ए में जो करंट पास हो रहा है थ्रू zigzag वायर, इट कैन बी डिनोटेड एज अ आई ए, एंड इन फिगर बी द करंट पासिंग थ्रू द कॉम्पैक्ट कॉइल। ठीक है, सो दैट इज आई बी, एंड यू विल नोटिस दैट बोथ आर इन द सेम। ठीक है, तो फिगर ए में हमने जो zigzag वायर लिया मीन्स इन द रेजिस्टेंस फॉर्म में, कॉपर वायर है दोनों भी, तो उसमें जो करंट का कैलकुलेशन है, करंट जो मिलेगा आपको एम्पियर में। ठीक है, करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर एंड वोल्टेज इज मेजर इन वोल्ट्स। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने जो वोल्टेज यूज़ किया है वो सेम है, 1.5 वोल्ट डीसी, दोनों को कनेक्ट किया हमने डीसी वोल्टेज से, दैट इज़ 1.5 वोल्ट डीसी, फिगर ए में भी एंड फिगर बी में भी। तो और जो करंट है, फिगर ए में जो करंट है उसको हमने आई से डिनोट किया है, फिगर बी में जो करंट है उसे हमने आई बी से डिनोट किया है। दोनों कॉइल्स के फॉर्म अलग है, फिगर ए में zigzag स्ट्रक्चर है कॉपर वायर का, फिगर बी में
कॉम्पैक्ट कॉइल है, ठीक है, इन द कॉइल फॉर्म, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो उसमें हम नोटिस कर पाएंगे कि जो दोनों के करंट वैल्यूज़ है, आई आई बी, करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर, सो बोथ द करंट्स आर सेम। मीन्स इसका समरी क्या है कि रेजिस्टर इन अ एसी और एज वेल एज इन डीसी बिहेव्स लाइक अ सेम, उसका एक ही काम है दैट इट अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज और इन चेंज इन करंट। तो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, दैट्स वाई जो करंट का वैल्यू है आई ए और आई बी वो दोनों भी कंडीशन में क्या रहेगा, सेम। ठीक है, वेदर में आप उसे जिगजैग फॉर्म में कनेक्ट करो या सिंपली कॉइल फॉर्म में कनेक्ट करो कॉपर वायर को, मीन्स कॉपर एक मेटल है तो मेटल को भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, तो सबका जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये सर्किट को, ठीक है, मीन्स फ्लो ऑफ वोल्टेज एंड करंट को बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने देखा लास्ट लेक्चर में, वी इज इक्वल टू आई आर, दैट इज़ अ बेसिक इक्वेशन फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं या वोल्टेज निकाल सकते हैं, अगर दो वैल्यू आपके पास पता है, आपको पता है तो तीसरा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ अ सिंपल एक्टिविटी फॉर अ रेजिस्टर। तो आगे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी रजिस्टर पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो लिया था कि व्हेन एसी इज कनेक्टेड थ्रू अ टू अ रजिस्टर, ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन भी लिया था, तो उसी पे बेस ये प्रॉब्लम है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें हमने हमें दिया है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, ई इज इक्वल टू 140 sin 3142 टी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर ऑफ 50 ohm। ठीक है, रेजिस्टर का वैल्यू दिया है 50 ohm एंड उन्होंने पूछा है फाइंड फर्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ठीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालना है एफ, एंड सेकेंड जो पूछा है वो है द आर एम एस करंट थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है थ्रू द रेजिस्टर, मीन्स सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन डेटा क्या दिया है हमें प्रॉब्लम में, तो गिवन में हमें इक्वेशन दिया है ई इज इक्वल टू 140 sin 3142 टी। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, ई जीरो इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे, ई जीरो इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो ये क्या आएगा आपका, ठीक है, सॉरी, ई जीरो इज इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ पे सॉरी, ई इज इक्वल टू ई जीरो। ठीक है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आपका ई जीरो क्लियर कट आ जाएगा 140 स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम अगर इसे कंपेयर करते हैं तो। ई जीरो इज 140 एंड ओमेगा इज अ फ्रीक्वेंसी, सो दैट विल बी अ 3142। बाय कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी आर गेटिंग द टू वैल्यूज, फर्स्ट इज ई जीरो एंड सेकेंड इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा, विच इज़ ई जीरो इज़ 140 वोल्ट एंड ओमेगा इज नथिंग बट द 3142, दैट इज़ अ एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, बट वी नो दैट एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज नथिंग बट द 2 pi f, हमें पता है। ठीक है, तो इससे हम एफ निकाल सकते हैं इक्वेशन को मैनिपुलेट करके। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 pi, 2 pi से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू 2 pi, एल एच एस में जाएगा तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 pi, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 3142 है, वैल्यू पुट किया हमने फॉर्मूला में, 2 pi इज नथिंग बट द 3.142। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करते तो ये आएगा 50,
ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज, ठीक है। तो यूनिट लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, जो हमें पूछा था द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। एंड सेकंड जो हमें फाइंड करना है, वो फाइंड करना है आरएमएस करंट, ठीक है। सो आरएमएस का जो फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आई ज़ीरो बाय रूट टू, और इट विल बी एज 0.707 इंटू आई ज़ीरो, ठीक है। सो दैट इज़ द फार्मूला फॉर आरएमएस टू कैलकुलेट द करंट। अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज निकालना है, सो इट इज़ डिनोटेड बाय ई आर एम एस, इंस्टेड ऑफ आई ज़ीरो इट विल बी अ ई ज़ीरो, बाकी सेम रहेगा 0.707 मल्टीप्लाई बाय ई ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम वोल्टेज एंड करंट फाइंड कर सकते हैं आर एम एस वैल्यू से, ठीक है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें फाइंड करना है आर एम एस करंट, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा बुक में गलती हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट किया है, पूछा है आर एम एस करंट, बट यहाँ पे ई ज़ीरो लिया हमने वोल्टेज, ठीक है। सो ई ज़ीरो इज इक्वल टू 140 ऑलरेडी गिवन है, तो हम ई आर एम एस इज इक्वल टू ई ज़ीरो बाय रूट टू, जो हमने अभी फार्मूला देखा, ई ज़ीरो ऑलरेडी दिया है 140, ठीक है। तो 140 डिवाइडेड बाय रूट टू इट विल बी अ 99.29, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे वोल्टेज, सो दैट वोल्टेज विल बी ई ज़ीरो इज इक्वल टू 99.29, दैट इज़ अ आर एम एस, रूट मीन स्क्वेयर। सो अभी हमें कैलकुलेट करना है करंट, सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ये बेसिक फॉर्म है ओम्स लॉ का, ठीक है। तो अभी हमारे पास वोल्टेज है जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। रेजिस्टर का वैल्यू ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है 50 ओम, ठीक है। तो कैलकुलेट हो जाएगा आई, तो हम इसे मैनिपुलेट करेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी इज नथिंग बट अ ई एम एफ, मीन्स ई आर एम एस, ठीक है। तो ई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाय आर, ठीक है। यही फॉर्मूला है सिंपली ओम्स लॉ का, ठीक है। उसे ही मैनिपुलेट किया है, यहाँ पे सिर्फ वी की जगह ई है, ई आर एम एस वैल्यू, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ई आर एम एस 99.29 डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टर का वैल्यू दिया 50 ओम, इसको डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 1.98, एंड द यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, बिकॉज करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरह से दोनों पैरामीटर हमने इजीली कैलकुलेट किए बाय ओनली पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो पेपर में इसी तरह से प्रॉब्लम रहेगी, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे 140 की जगह हो सकता है कुछ अलग वैल्यू हो, और ये 3142 की जगह अलग वैल्यू रहेगा, रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो प्रोसीजर है दैट इज़ रिमेन सेम्स। तो आपको यहाँ पे ये फार्मूला फर्स्ट पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ साइन वेव, ठीक है, एसी सिग्नल का, इज इक्वल टू ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अगर ये पता है तो इसके साथ आप मेन इक्वेशन जो दिया है आपको, गिवन इक्वेशन, ठीक है, उसे कंपेयर करोगे तो आपको ई ज़ीरो एंड ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ओमेगा इज़ 2 पाई एफ, तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट हो गया तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे आर एम एस वोल्टेज फर्स्ट, क्योंकि वो गिवन दिया है हमें, ठीक है। तो ई आर एम एस निकल जाएगा, ई आर एम एस अगर निकल गया तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन इजीली फाइंड अ करंट, बिकॉज हमारे पास दोनों वैल्यू हो जाएंगे, एक तो आपको फिर वोल्टेज पता है एंड रेजिस्टर का वैल्यू दिया है, तो करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो सिलेबस का नेक्स्ट जो पार्ट है वो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, ठीक है। हमें तीनों कंपोनेंट को स्टडी करना है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द इंडक्टर, एंड थर्ड जो है वो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, ठीक है। तो रेजिस्टर वाला पार्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, देन उसके बाद हमने उस पर एक प्रॉब्लम भी लिया, एक एक्टिविटी भी लिया, ठीक है, जिगजैग वायर एंड कॉम्पैक्ट कॉइल का। तो अभी हमारा सेकंड पार्ट जो है वो इंडक्टर कनेक्ट करना है एसी वोल्टेज के साथ, एंड वो किस तरह से बिहेव करेगा एसी वोल्टेज के साथ वो हमें स्टडी करना है। सो लेट अस नाउ कनेक्ट द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर,
इंडक्टर इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है, कैपिटल एल से डिनोट होता है इंडक्टर। लेट अस अज्यूम दैट इंडक्टर हैज़ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इंडक्टर इज नथिंग बट द कॉइल, जैसे हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट कॉइल यूज़ किया था एक्टिविटी में, ठीक है, तो उसी तरह से ये भी एक क्या है, एक तरह का कॉइल है, ठीक है। सो दैट इज़ अ सिंपल सिंबल फॉर द इंडक्टर। द सर्किट इज देयर फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सपोज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू 0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो जो हमने इनपुट दिया है वह एसी है, सो उसका जो स्टैंडर्ड एसी सिग्नल का इक्वेशन है वो आप लोगों को पता है, ई इज इक्वल टू ई 0 साइन ओमेगा टी फॉर्म में है। तो बेसिकली इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल दैट इज ऑल्सो अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। तो इंडक्टर क्या होता है, एक तरह का क्या है, कॉइल है। इट इज़ ऑल्सो अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट, मीन्स रिएक्ट करेगा एसी के साथ, इट अपोजिशन टू अ एसी करंट, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स अपोजिशन टू द अल्टरनेटिंग करंट, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स सफिक्स एल, ठीक है। रिएक्टेंस वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है रिएक्टेंस, ठीक है। बट अभी तक आप इतना ध्यान में रखो कि इंडक्टर इज नथिंग बट द कॉइल एंड इट इज़ अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट दैट इट अपोजिज द एसी करंट। सो वेन की के इज क्लोज करंट आई बिगेन्स टू ग्रो इन द इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विच दिया है की या स्विच के, अगर इसे क्लोज करते देन करंट आई बिगेन्स टू फ्लो थ्रू द इंडक्टर बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट चेंजेस एंड इंड्यूस ई एम एफ इज प्रोड्यूस विच अपोजेस द अप्लाइड ई एम एफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, ठीक है। तो जैसे की के क्लोज होगा तो क्या होगा, इसमें से वोल्टेज फ्लो होगा मीन्स थ्रू इंडक्टर एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स आर लिंक एंड इट चेंजेस द इंड्यूस ईएमएफ इज अपोज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज है उसे वो क्या करेगा, इंडक्टर अपोज करेगा बिकॉज इट इज़ अ सिंपली अ कॉइल, ठीक है, कॉइल वाइंड किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा वोल्टेज को वेन एवर दिस स्विच के इज क्लोज। सो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ई ई इज़ अ ई एम एफ और वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी वेयर डी आई बाई डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, एंड ई इज़ द इंड्यूस ई एम एफ। तो ये क्या करेगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसको वो अपोज करेगा, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी वेयर एल इज़ द इंडक्टेंस, ठीक है। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू द अपोजिट टू द इंड्यूस ईएमएफ ई डैश, ठीक है, मीन्स कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट में जो ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो इनपुट में, ठीक है, या फिगर में आप देख पा रहे होंगे ई जो वोल्टेज सोर्स हमने इनपुट में दिया हुआ है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस ई एम एफ ई डैश। तो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा जो एक्चुअल ई एम एफ इंड्यूस होगा सर्किट में। सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ के वी एल देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट मीन्स ई इज इक्वल टू माइनस ई डैश एंड वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ई का एंड ई डैश का, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू माइनस एंड ई डैश इज नथिंग बट द दिस वैल्यू माइनस एल डी आई बाय डी टी। सो माइनस माइनस गेट प्लस एंड इट इज़ एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। सो इसको मैनिपुलेट किया है डी आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एल डी टी, ठीक है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ आई,
ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो हमें इस तरह से मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तो इस पे डेरिवेशन तो कुछ नहीं आएगा, बट आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूले है ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम आता है पेपर में, ठीक है, तो आप सॉल्व कर पाओगे इजीली अगर फॉर्मूला आपको आता है तो, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन है। तो अगर ये दोनों जो पॉइंट्स है 13.5 एंड 13.7 जो इक्वेशंस है, ठीक है, तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं सो वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट आई लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एसी करंट है आई वो पीछे, लैग्स मीन्स पीछे, बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ ई, ठीक है, मीन्स करंट पीछे एज कम्पेयर टू द वोल्टेज और ईएमएफ ई बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, और पाई बाय टू रेडियंस, इन रेडियन फॉर्म इट इज़ अ पाई बाय टू, और वोल्टेज अक्रॉस एल लीड्स द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय टू, या फिर उल्टा जो है उसे ऐसे भी कह सकते कि वोल्टेज लीड है, वोल्टेज आगे है एज़ कम्पेयर टू द करंट बाय द फेज एंगल पाई बाय टू रेडियंस और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ अ ग्राफ ऑफ ई मीन्स ई एम एफ वर्सेस आई करंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे, मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ई एम एफ है जो येलो लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है, एंड सेकंड जो है वो करंट आई जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ यहाँ पे, और मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर के, ठीक है। तो जो वोल्टेज है वो स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटर से, ज़ीरो से, ठीक है, एंड करंट जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका निगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे जो करंट आए, ठीक है, वो क्या है, लैगिंग है बिहाइंड द वोल्टेज। सो करंट आई इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, मीन्स वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा है ई एंड करंट उसके पीछे, ठीक है, इट विल बी अ लैग बिहाइंड द वोल्टेज इन इंडक्टर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है, जो एंगल है वोल्टेज एंड करंट के बीच वो देर इज अ फेज एंगल और फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय टू इन रेडियन फॉर्म, ठीक है। तो इंडक्टर इस तरह से रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो इसका समरी इस तरह से आता है कि दोनों में भी फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन द इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द एसी सर्किट, मीन्स इट इज़ अ रिएक्टिव कंपोनेंट। जैसे रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं था, वोल्टेज एंड करंट्स आर सेम इन द रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन एसी, बट इन केस ऑफ इंडक्टर द करंट विल लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई बाय टू रेडियंस मैन योर इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द एसी सर्किट। सो इंडक्टर इज अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। तो यही इसका एक समरी था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका फेजर डायग्राम लेंगे इंडक्टर का, एंड इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस में अभी प्रॉब्लम। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।